चलो बेटा शुरू करते हैं, फ्रेश लेक्चर है। आज हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल सर्किट की, कि उसमें अगर कैपेसिटर जुड़े हुए हैं सर्किट में तो उनको सॉल्व कैसे किया जाए, यानी श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में अगर संधारित्र जुड़े हुए हैं परिपथ में तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। कई बार मिक्स्ड सर्किट आ जाता है और फिर आप लोग गोल कर जाते हो। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, सीरीज की बात करते हैं, मैं यहाँ सीरीज लिख देता हूँ, यहाँ पैरेलल लिख देता हूँ, ठीक है। सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/CS, ये क्या कहलाता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, प्रभावी धारिता, या फिर इक्विवेलेंट का नाम दिया जाता है तुल्य धारिता, ठीक है। 1/C1+1/C2+...... कितने भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। और इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव प्रभावी C1+C2+... करते हुए CN, ये बैठ गया। इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखना, एक समान रहता है, यूनिफॉर्म, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, नियत, कौन, विभवांतर। और इसके अंदर क्या रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, यानी आवेश स्थिर रहते हैं इसके अंदर, एक समान नियत, ठीक है, यहां तक तो बैठ गया। अब अगर n कैपेसिटर जुड़े हुए हों, n कैपेसिटर्स, संधारित्र जुड़े हुए हैं n इस कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या निकाल रहे हैं, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो सीरीज का फॉर्मूला बनेगा C/N, और पैरेलल का इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगा NC। बोलो यहां तक आ गया, कर लोगे। आगे देखो, सीरीज में अगर दो कैपेसिटर जुड़े हों, सिर्फ दो की बात चल रही है, ध्यान रखना, सिर्फ सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट है। माजा रेड पेन कुठे आहे, सीरीज में जब दो कैपेसिटर हो, सिर्फ दो कैपेसिटर होने चाहिए सीरीज के अंदर, तब क्या बन जाएगा, यही होता है 1/CS = 1/C1+1/C2। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, इसको कैसे करना है, इसकी कैलकुलेशन आगे देखो। मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, C1 C2, तो ऊपर क्या आ जाएगा, C1 से C1 कैंसिल हो गए, तो C2+C1 = क्या है, 1/CS। इसको उल्टा किया, अपन को तो CS चाहिए और ये 1/CS आ रहा है, तो इसको उल्टा करेंगे तो CS क्या बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा, तो C1 C2/ चलना, घर जाना अपने यार, C2 C1+C2, बस कुछ नहीं किया, C1 को पहले लिखा और कुछ, ये फॉर्मूला लगाना है सीरीज के लिए, वेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। रेड पेन से लिखा, देखो साफ पहली बता रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई माथापोड़ी नहीं करोगे, डायरेक्ट इससे आ जाएगा। तो ऊपर क्या करना है, C1 C2 को मल्टीप्लाई करना है और नीचे C1 C2 जो भी आपको दे रखे हैं, दो कैपेसिटर, दो संधारित्र, उनको जोड़ना है सीरीज के लिए, इंपॉर्टेंट है, पहली बता रहा हूँ। तो हो गया यहाँ तक, आगे देखो, अब करते हैं क्वेश्चन बिड़ते ही। अब देखो P और N के बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, प्रभावी धारिता निकालनी है हमको, ठीक है। सर्किट हमें, परिपथ हमको ये दे रखा है, कितने कैपेसिटर हैं, C1 है, C2 है और C3 है, 10 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड और 30 माइक्रोफेरेड का, और वोल्टेज कितनी बैटरी लगी हुई वोल्टेज की, और नॉर्मल उसने लिखा हुआ है भी, बस दे नहीं रखा, अपन को इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। प्रभावी धारिता कैसे निकालेंगे और पता कैसे चलेगा कि ये सर्किट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सर्किट का पता कैसे लगाया जाता है, जब चार्ज अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, यह सर्किट कोई बता सकता है कौन सा है, देखो प्लस चार्ज यहां से जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है, यहां से तो इलेक्ट्रॉन, प्लस यहां से जाएंगे, एक ही रास्ता जाने का, विच मीन्स पहले इसमें गया और फिर इसमें गया, यह सीरीज है, श्रेणी क्रम, बैठ गया, ठीक है। डराने के लिए बताया था, पैरेलल टाइप का लग रहा है लेकिन है नहीं, सीरीज है ही, ध्यान रखना, क्योंकि चार्जेस का रास्ता एक ही है। इसमें देखो
इसमें देखो वी वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है और यहाँ से हमारे चार्ज रवाना हुए। जैसे ही चार्ज यहाँ पे आए तो चार्ज को क्या पता होता है हमें कौन सा रास्ता लेना है? नहीं पता होता। तो चार्ज तो कुछ इधर चला जाएगा और चार्ज इधर भी जाएगा, यानी चार्ज क्यू, मान लेते हैं यहाँ पे वन चला गया, ये वन, और ये चला गया क्यू टू, बैठ गया। चार्ज अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, विच मीन्स ये पैरेलल है, ये पार्श्व क्रम है, ये पैरेलल है। सीरीज के लिए रास्ता एक ही है क्योंकि चार्ज पहले यहाँ जाएगा फिर उसके बाद वहाँ जाएगा, लेकिन सीरीज का जनरली हम लोग डायग्राम ये बना देते हैं तब तो हमें समझ में आ जाता है कि सीरीज है, ये देखो। लेकिन मैंने थोड़ा डराने के लिए ऐसा बनाया है, बैठ गया। यहाँ पे अगर ये बैटरी जुड़ी हुई है, ये बैटरी, इसलिए प्लस माइनस एक इसका छोटा और एक बड़ा कर रखा मैंने, ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये कोई बड़े छोटे नहीं, सब बराबर है। यहाँ से चालू हुआ चार्ज जाना, तो यहाँ गया चार्ज, यहाँ भी गया और फिर यहाँ गया, लाइन से गया, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे दो जगह चला गया, यहाँ पे देखो दो जगह जा, विच मीन्स ये पैरेलल हो गया, ये सीरीज हो गया, तो पता तो लगा लोगे। और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उससे और अच्छा पता चल जाएगा। अब देखो हमें एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोला है, सर्किट को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, बिल्कुल छोटा बनाना है इसको, क्या है? तो सबसे पहले यहाँ से चार्ज रवाना हुए और यहाँ आते आते चार्ज जैसे ही यहाँ आया तो कुछ तो इधर निकल गया और कुछ इधर निकल गया, एग्री? एग्री, विच मीन्स पैरेलल हो गया, ठीक है, गुड। तो पैरेलल है तो पैरेलल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं पार्श्व क्रम का, वो आप जानते हो। सी पी इज इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू, ये C1 है और ये C2 है, तो CP इज इक्वल टू C1 कितना दे रखा है 10 प्लस 20, तो CP हमारा कितना आ गया 30 माइक्रोफेरेड का आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नया डायग्राम बनाओ अच्छे से, धीरे धीरे करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं कौन हूँ। बैठो यहाँ यू ना दिल तोड़ो जी, आओ मैं पढ़ा दूँ तुम्हें भोती की, चलो हटो जाओ मुझे छोड़ो भी, नहीं पढ़नी मुझे भौती की, अच्छा बाबा अच्छा मुझे माफ करो, रुक जाओ। अब देखो ये हमारा जो 30 आया इन दोनों का मिक्स होके एक बन गया, ये देखो, और ये पैरेलल था, ये हम जानते हैं पार्श्व क्रम, और पार्श्व क्रम को दिमाग में पहले लेके आओ कि जिसके अंदर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है, विभवांतर समान होता है। यहाँ पे आने के बाद में विभवांतर इधर भी और इधर भी, इस ये वाली लेफ्ट साइड की प्लेट्स पे हाई पोटेंशियल होगा और इधर लो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा इस पे। दूसरी चीज कि इसके जो भी कैपेसिटेंस, इसका जो इफेक्टिव निकलेगा, ये इफेक्टिव निकला है ठीक है, या प्रभावी या इक्विवेलेंट, वो इन दोनों से ज़्यादा होगा, किसी दोनों इंडिविजुअल से, ये इंडिविजुअल 20 है, ये 10 है इंडिविजुअल अकेला, और इनसे ज़्यादा आएगा, ज़्यादा है पैरेलल में ज़्यादा आएगा ठीक है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको ज़्यादा धारिता चाहिए होती है, पैरेलल सर्किट को यूज़ करते हैं, पार्श्व परिपथ को वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको देखो अब यहाँ से करंट रवाना हो, यहाँ सॉरी चार्जेस, यहाँ पे करंट नहीं है, चार्जेस की बात चली, क्यों? क्योंकि अपना फॉर्मूला क्यू बाय वी, इन तीनों पे हम खेल रहे हैं ठीक है, वो भी आएगा आगे, रेजिस्टेंस वगैरह वो भी चैप्टर है आपकी, चिंता मत करो। वोल्टेज करंट यहाँ से गया तो क्या क्या निकालना है अब हमको, हमें ये पता चल रहा है ये पैरेलल सीरीज में है, क्यों है सीरीज में, श्रेणी क्रम में, यहाँ से गया पहले जैसे यहाँ पे आया और फिर आगे यहाँ पे जाएगा ठीक है, लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं कि दो डायरेक्शन में चार्जेस चले गए। क्या निकालेंगे इसका, अब दो हैं, दो हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना सीधा ही, तो सीरीज का लगा देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 × 30 / 30 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस 900 और 60 15 × 90 सीधी हिंदी में ठीक है। सी एस इज इक्वल टू कितना आ गया 15 माइक्रोफेरेड। अब देखो सीरीज हम लोग श्रेणी क्रम वाला हम लोग ये कहते हैं कि जितने भी कैपेसिटर होंगे उससे कम उसकी धारिता आएगी, किसी भी अकेले वाले से जो सबसे कम होगा उससे भी कम, सबसे कम कौन सा है यहाँ पे तो हमें बराबर दिख रहे हैं 30 30, उससे भी कम आई कि नहीं आई, आई है, ये आंसर है इसका, ये इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकल गया इस पूरे का, कि जो हमें इतने कैपेसिटर दे रखे थे ना 3, तो हमने उसको एक ही बना दिया 3 का, पहले 2 को एक बनाया ये आ गया, फिर ये 2 बचे थे इन दोनों को भी सट से जोड़ दिया और ये इनका बर्गर बना दिया, पिज्ज़ा बना दिया इसका, और खा गए हम लोग, और 15 आ गया इसका इफेक्टिव, बैठ गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखो,
ऑप्शन भी दे रखे हैं, ट्राई कर सकते हो अगर करना हो तो, वरना मेरे साथ आ जाओ। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है, प्रभावी धारिता निकालनी है, बार बार मेरे से लिखवाना मत, क्यों खून जला रहे हो, ठीक है। और ए और बी के बीच में निकालना है, चार कैपेसिटर दे रखे हैं, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड। आंसर आपके सामने है, कन्वर्ट करते हैं इसको, सर्किट को सॉल्व करके और निकालते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर कुछ कोई चीज़ आई, चार्जेस अगर यहाँ पहुँचे, अगर बैटरी से कनेक्टेड था तो चार्जेस यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये तो पैरेलल हो चुका है, इतना बड़ा वाला तो यहां जाने के बाद में चार्जेस पहले यहां जा रहे हैं और फिर उसके बाद यहां जा रहे हैं, विच मीन्स ये सीरीज में हो गया इतना सा, ये हमें पता चल गया इतना सा, ये सीरीज में है, ये सीरीज में। इसको सॉल्व करते हैं पहले, और फिर हमने कहा कि यहां चार्जेस गए तो ये भी क्या आ गया सीरीज में, क्योंकि पहले यहां जाएंगे फिर यहां जाएंगे, लेकिन आपस में ये क्या है पैरेलल में है, ठीक है। करते हैं, ये भी सीरीज, ये भी सीरीज, चलो। तो फिर दो है, दो के लिए फॉर्मूला बता रखा है मैंने, सी एस निकालो सीधा ही, ऊपर क्या करना होता है मल्टीप्लाई, तो 3 × 6 / 3 + 6, तो सी एस कितना आ गया हमारा, चीफ सेक्रेटरी 6 × 3 = 18 और 6 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 2 माइक्रोफेरेड का आ गया इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ऊपर नया डायग्राम बनाओ, उससे पता चलेगा, और इसका भी निकाल लें नीचे वाले का भी, सी एस डैश करके इसका मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे जोड़, 4 × 16 और 4 × 2 = 8 × 16, सी डैश एस आ गया हमारा 2 माइक्रोफेरेड, यानी ये भी हमारा 2 आ गया और हमने नया सर्किट भी बना लिया, 2 माइक्रोफेरेड, ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी। यहाँ आने के बाद में चार्जेस आधे यहाँ जा रहे हैं या जो भी जा रहे हैं, चार्जेस यहाँ भी जा रहे हैं, विच मीन्स ये बन गया हमारा पैरेलल, समझ में आया। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के लिए, C1 + C2, सबसे इजी, C1 कितना है 2, C2 कितना है 2, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4, और क्या चल रहा है माइक्रोफेरेड, बैठ गया। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड, आगे देखो, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी इज 5 माइक्रोफेरेड, दे रखा है, निकालना नहीं है। ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस उसने कितना दे दिया हमको, 5 माइक्रोफेरेड दे दिया, तो हमको निकालना क्या, कैलकुलेट सी निकालना है, ये इसका कैपेसिटेंस निकालना है, इसकी धारिता निकालनी है, प्रभावी धारिता हमको कितनी दे दी इन दोनों के बीच में, 5 माइक्रोफेरेड दे दी है उसने, और बोल रहा है सी निकालो, क्योंकि देखो इस ये कैपेसिटेंस इनकी वाली देखिए 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, और इसको निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये जो डब्बे बने होते हैं ना इस टाइप के, इनका इलाज करना होता है। जैसे देखो चार्जेस यहाँ से वहाँ घूमते हुए यहाँ पे आया चार्जर, जैसे ही चार्जेस यहाँ पे आया तो कुछ तो चार्जेस यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा, एक ही टाइम पे दो जगह जा रहे हैं चार्जेस, यानी ये पैरेलल में हो गया इतना सा खांचा ढंग से, ये चार्जेस आ रहे हैं इधर से, और जैसे ही यहाँ आया तो चार्जेस जरूर थोड़ी इधर ही जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, तो ये पैरेलल इतना सा बोल दें इसको पैरेलल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सी पी क्या होता है, C1 + C2 कितना आ गया 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, तो सी पी आ गया हमारा 2 माइक्रोफेरेड का। नया डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, नया डायग्राम बनाएंगे अभी, रुको। इन दोनों को देखो, जैसे ही वहाँ से चार्जेस रवाना हुए यहाँ पहुँचा चार्जेस, यहाँ आने के बाद चार्जेस कुछ यहाँ आ जाएगा, कुछ इधर भी तो जाएगा, जाएगा पैरेलल, दो जगह पे जा रहे हैं, बिखर गया चार्जेस, अलग अलग जगहों पे जाने लग गया, ये भी पैरेलल, वो भी पैरेलल, पैरेलल पैरेलल, पा मा पा, ठीक है, पा हो गया, ये भी पैरेलल, इसको भी निकाल दें, तो सी पी डैश निकाल लेते हैं इसका भी, कितना है 4 + 4, सी पी, सी डैश पी इज इक्वल्स टू, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकल रहा है अभी अपना 8 माइक्रोफेरेड, तो ये तो आ गया अपना 8, ये आ गया अपना 2। नया डायग्राम बना लेते हैं अब अपन, अब देखो नया डायग्राम बनाया, क्या क्या इन दोनों का जोड़ के कितना आया था, ये आया था, तो ये 1, ये 2 लिख दिया यहाँ पे, इन दोनों का जुड़ के इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इन दोनों का जुड़ के कितना आ रहा था 8 आ रहा था, यहाँ लिख दिया, कितने थे 1 2 3 4 5 6 थे, 6 के कितने हो गए 4 हो गए, 2 गायब हो गए, ठीक है। आगे देखो, मुझे यहाँ से जब मैं आया
तो मेरे कुछ चार्जेस यहाँ चले गए और कुछ इधर डायरेक्शन में चले गए चार्जेस, फिर टूट गए, लेकिन पैरेलल तो है ही, लेकिन और दिखता। अब चार्जेस जब यहाँ गया तो यहाँ जाने के बाद चार्जेस फिर उसके बाद ही यहाँ जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिक नहीं आ सकता चार्जेस, यहाँ दो जगह नहीं टूट रही, यहाँ आने के बाद में पहले इसमें आ रहा है फिर इसमें आ रहा है, ये सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए चार्जेस, इस रास्ते पर ही चलेगा, दो टुकड़ों में नहीं टूटेगा, लेकिन ये और ये अलग हो गया। हाँ, ये अपने आप में ये कौन सा हो गया, यहाँ पे आने के बाद चार्जेस देखो, पहले यहाँ और फिर यहाँ, तो ये भी क्या हो गया, सीरीज में। तो इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं अपन, सीरीज 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 का फॉर्मूला क्या होता है, अगर टू कैपेसिटर सीरीज में हो तो फॉर्मूला सीधा लगाना है, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, टू और टू और टू प्लस टू, फोर बाय फोर कितना आ गया, वन माइक्रोफेरेड का आ गया ये वाला, तो ठीक है, इसका डायग्राम अपन अभी बना लेंगे, फिर इसको निकालते हैं इन दोनों को, सी एस ये भी किसमें है, सीरीज में, पहले यहाँ आया और अब यहाँ गया, ठीक है, पहले इतने से को सॉल्व करना है, इतने से को सॉल्व कर दिया हमने, ये भी सीरीज में, तो क्या आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो एट इंटू सी, तो एट सी अपॉन एट प्लस सी, ये आ गया इसका इतने से का, बना देना है डायग्राम, दिख रहा है, हाँ ठीक है, अब देखो आगे, ये अपन ने बना दिया, इन दोनों का इलाज कर दिया, इन दोनों का इलाज कर दिया, इन दोनों का जुड़ के कितना आया इफेक्टिव वन, इन दोनों का इफेक्टिव कितना है एट सी अपन, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही चार्जर यहाँ चार्जेस यहाँ से रवाना हुआ, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, यानी ये सर्किट पैरेलल है, ये हम जानते हैं, ठीक है, दिस इज पैरेलल, पाश्चर्व है ये, ठीक है, और उसने हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑलरेडी दे रखा है इस सर्किट का कि कितना लेना है, तो देखो सी पी इज इक्वल्स टू वन प्लस एट सी अपॉन एट प्लस सी, क्या करते हैं सीधा जोड़ते हैं अगर पैरेलल में हो तो, और सी पी उसने हमको दे रखा है, अब हमें पता चला है कि वो कितना है, उसने देखो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी अब बोल रहा है पाँच है, तो हम यहाँ सी पी की वैल्यू डालेंगे पाँच, तभी तो हमारे पास सी निकलेगा, समझ में आ रहा है कि सी जो है ना ये वाला जो हम निकाल रहे थे इफेक्ट, ये जो कैपेसिटेंस वो कितने का था, कैपेसिटर कितने फेरेड का था, माइक्रो फेरेड का था, उसको निकालने में लगे हुए, ये भी नहीं दिया और ये सी भी निकाल रहे हैं, तो कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, ये दे रखा, ध्यान रखना है ऐसे वैल्यू दे रखी होती, इसीलिए करवाया ये क्वेश्चन, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे वन, तो एलसीएम क्या आ गया एट प्लस सी, एट प्लस सी में वन का डिवाइड किया तो एट प्लस सी बच गया, और उसको मल्टीप्लाई वन से किया तो एट प्लस सी प्लस एट सी, क्यों, क्योंकि इससे अब ये पूरा कट गया तो एट सी बचा, ये आठ पंजू चालीस और फिर पाँच सी, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ईगल गुणा हो जाएगा, चोंच बन जाएगी, चील गुणा, ईगल मल्टीप्लाई, और ये आँख बना दी मैंने, ठीक है, इधर देखो एट प्लस आठ सी है और एक सी है तो नौ सी हो जाएगा, नाइन सी, तो मालूम है मैच से, मैच को इधर लाओ और वेरिएबल को उधर पटको, चालीस में से आठ माइनस इधर लेके आ गया, नौ सी में से पाँच सी उधर चला गया, कितना बता, बत्तीस इज इक्वल्स टू चार सी, दिख रहा है, हाँ सी इज इक्वल्स टू बत्तीस बट्टे चार, आठ चौक बत्तीस, ये जो सी था ना ये कितने माइक्रोफेरेड का था, एट माइक्रोफेरेड का था, समझ में आ गया, एट माइक्रोफेरेड, यानी इस बार उसने आपको क्या दे रखा था, इस सर्किट का एक सॉल्व करने के बाद आपको एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी दे रखा था, प्रभावी धारिता भी दे रखी थी ये भी, और वो कितनी थी पाँच माइक्रोफेरेड की थी, तो हमारा ये कैपेसिटेंस जो आया है इसकी जो धारिता निकली है कैपेसिटर की वो है आठ माइक्रोफेरेड की, इजी, पहले इन ये जो छोटे छोटे लटकते रहते ना इनको सॉल्व करो, जैसे फोर्स निकालते थे आप कंपोनेंट है ना अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनको क्या करते हो इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में लाया जाता है, जैसे आपको सौ रुपये दिए किसी ने, आप मार्केट गए तो आपने क्या किया, एक रुपये की सब्जी खरीद ली, एक रुपये की टॉफ़ी खरीद ली, चार रुपये की जूते खरीद लिए, चार रुपये की चप्पल खरीद लिए, आठ रुपये की विमल गुटखा खरीद लिया है, एनसीबी हो गया उसका तो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और दो का कुछ और खरीद लिया, क्या कोई और पान मसाला खरीद लिया, तो ये आपने पूरा एक फिर उसको जोड़ा लाके, तो इनको ऐसे ऐसे सॉल्व करो अलग अलग। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फोर्थ आगे देखो, क्वेश्चन अगला फोर्थ, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है, प्रभावी धारिता निकालनी है, कैसे निकालोगे, ऑप्शन दे रखे हैं, कोशिश कर सकते हो अगर निकालना आता हो तो, ठीक है, वरना मेरे को तो करना ही है। सबसे पहले
मुझे ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं बस, यहाँ पे चार्जेस आने के बाद, सॉरी यहाँ पे आने के बाद चार्जेस दो दिशाओं में जा रहे हैं अलग अलग, यानी ये तो आपस में पैरेलल में है पाशरू में, लेकिन यहाँ आने के बाद में पहले इधर फिर इधर ही जाएगा, पहले इन दोनों का इलाज करते हैं छोटे छोटे का, ठीक है। तो ये किस में है, सीरीज में है दोनों, सीरीज में, सीरीज में जब दो हों तो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, सीधा ही सी एस इज इक्वल्स टू ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे जोड़, 8 × 32 8 × 4 = 12 इस डायरेक्ट नहीं कटा यार ये तो, तो 4 से काटेंगे और क्या, 8 × 32 और 4 × 3 = 12 8/3 आ गया इसका, तो इसका इतने से का बना लो नया डायग्राम। अब देखो इन दोनों को जोड़ के एक डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है, 8/3 आ रहा है वो मैंने यहाँ लिख दिया। मुझे ये दोनों पहले दिख रहे हैं पैरेलल में सीधा ही, क्योंकि जैसे ही चार्जेस यहाँ आया ये इनका पोटेंशियल सेम होगा, वो चार्जेस यहाँ भी जाने की कोशिश करेगा, चार्जेस यहाँ भी जाने की, चार्जेस जब अलग अलग होते हैं तो पैरेलल होता है, चार्जेस सेम होते हैं स्थिर होते हैं आवेश, या चार्जेस कॉन्स्टेंट होते हैं तो वो सीरीज होता है, ठीक है। पोटेंशियल अगर सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर वो पैरेलल बन जाएगा, पोटेंशियल यहाँ आने के बाद में इन दोनों प्लेट का सेम हो जाएगा, विच मीन्स ये पैरेलल में आ गया। पैरेलल का निकालना आता ही होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस Cp इज इक्वल्स टू C1 + C2 तो 8/3 और प्लस 4, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एलसीएम 3 आ गया, 3 से 3 को काटा तो 8, 3 में 1 का भाग दिया 3 और 4 × 3 = 12 12 × 8 = 20 Cp इज कुछ क्या उल्टा सीधा आ रहा है 20/3 ये आ गया 20/3। इसका नया डायग्राम बनाते हैं अपन, अब देखो ये बी ये ए 12 ये आ गया 20/3 और ये आ गया 16 μF जो लिखा हुआ था, देखो इसको चिपका दिया था 5 से, ठीक है, μF आ गया, समझ में। अब निकाल सकते हो आप किस में, अब सीरीज में, और सीरीज का फॉर्मूला वही 3 है, इसलिए दो होते तो फॉर्मूला लगाते, 3 है तो फिर इस हिसाब से करेंगे तो 1/12 प्लस 1/20/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, ढंग से समझ लेना, 20 × 3 आएगा एंड 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस तीसरा कौन है 1/16 तो 1/CS इज इक्वल्स टू वही एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा 60 नहीं 60 में 12 × 5 = 60 20 × 3 = 60 16 × 5 = 80 होता है और 16 × 4 = 64 60 तो आया नहीं 80 16 × 5 = 80 20 × 4 = 80 और 12 × 6 = 72 12 × 7 = 84 ये भी नहीं आया फिर तो 12 × 2 = 24 यानी 240 240 में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणा हो गया तो 16 × 240 तो 16 × 16 = 256 होता है 16 × 16 और 16 में से एक कम और कर दिया तो 16 × 15 कितना हो जाएगा 256 में से 16 जाते हैं 240 यस राइट 240 वरना वो वाला मेथड कर लेना आप तो, ठीक है ना, होशियार के मत लगाना ये वाला एलसीएम वाला, ये 4 से किया 2 से किया तो 8 आया 10 आया और ये 6 आ गया, है ना, ये वाला मेथड कर लेना आप। अब देखो 240 में 12 का डिवाइड किया तो 20 आया, 240 में इसका डिवाइड किया तो 20 जीरो काट दिया और 12 × 36 240 में इसका डिवाइड किया तो आया 15 और 15 × 15 20 × 15 = 30 35 × 70 71 1/CS 71/240 गिनती तो क्या है कि वो हिंदी में सीखी हुई हो ना पहाड़े और वो सब तब मज़ा आता है और फिर इंग्लिश में पढ़ाई की हुई हो इंग्लिश मीडियम हो लेकिन मैथ्स अगर हिंदी में पढ़ी हुई हो 25 × 150 और 77 49 मज़ा अलग आ जाता है 12 × 6 = 72 12 × 6 = 68 ठीक है। अब अपन को क्या निकालना होता है सी एस निकालना होता है ये 1/CS आ रहा है तो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा 240 में 71 का डिवाइड कर दो तो देखो 7 × 3 = 21 और 7 × 4 = 28 तो 4 बार जाएगा नहीं 3 बार जाएगा 7 × 3 = 21 यानी 210 कितना बच गया 30 लगा पॉइंट उतर 0 7 × 4 = 28 3.4 रह गया 210 20 30 40 30 बचा 0 4 में से 1 गया तो पीछे से 3 और ये उतार लिया
7 3 21 कैसे आएगा? ये 3 और 7 3 2 13 आएगा ना? कुछ भी मतलब कुछ भी, 10 में से 3 गया पीछे बचा 7, 3 में से 1 गया पीछे बचा 2, लगा पॉइंट, फिर 0, फिर 3 बार जाएगा क्योंकि 213 ही आएगा, क्योंकि 7 चौक 28 हुए, 280 हुए, तो ये तो 71 है तो ज़्यादा आएगा, तो 3.3 यानी पॉइंटों वाला आ रहा है, और पॉइंट वाला अपने पास एक ही ऑप्शन है विच मीन्स ये और माइक्रो फैरेड, यानी सी एस हमारा कितना आ जाएगा 3.3 और माइक्रो फैरेड, आगे 8 फिट लगा लें। समझ में आ गया कि कैसे तोड़ा इसको, और वही सब काम किए मैंने, तो इसलिए शर्म मत करना, ये सब एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है, धीरे धीरे सीखता है आदमी, ठीक है, और औरत भी, और स्लो एंड स्टडी विन द रेस। चलो आगे देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, विभवांतर कितना होगा 4.5 वाले पे माइक्रोफेरेड पे कैपेसिटर पे, ऑप्शन दे रखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो यूनिट वी होती है, तो ऑप्शन दे रखे हैं 8/3V, 4V, 6V एंड 8V, कैपेसिटर कितने दे रखे हैं 1, 2, 3, तो पहले क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, क्या निकालना होता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, सबसे पहले वही काम करना होता है। सबसे पहले मुझे ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे पैरेलल में, तो इनको सीरीज में बना दे, मतलब इफेक्टिव निकाल लें इनका, ठीक है, इसको छेड़ेंगे नहीं, तो CP कितना हो गया 3+6 यानी 9 माइक्रोफेरेड का हो गया, ये CP अपना, ये वाला नया डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया मेरा 9, ये मेरा 4.5 का है ही, और ये मेरा बैटरी कनेक्टेड है, सेल बोल दो, बैटरी बोल दो, 12 वोल्ट, ये 4.5 का आ गया, एक्रॉस 4.5 कैपेसिटर, ये सीरीज में आ गए। हाँ अब देखो, यहाँ से चार्ज रवाना हो तो पहले यहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद ही यहाँ जाएंगे, साथ में नहीं जा सकते, तो ये कौन सा आ गया, सीरीज हो गया। बोल सर इतना रुके कैसे आप, सीरीज, मैं बस हिसाब लगा रहा था कि जब मैंने जोड़ा घटाया गुनाकार किया फिर उसका भागाकार किया तो एक ही जवाब मिला, और शायद सही भी था, लेकिन फिर मैं एक बार सोच रहा हूँ कि जोड़ने घटाने गुनाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है, क्या क्या क्या, बेवकूफ लड़की, जब मैं छोड़ा तो देखो दो हैं सीरीज के अंदर, और सीरीज के अंदर दो होते तो अपन फॉर्मूला लगाते सीधा, C1 और मल्टीप्लाई में C2, ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो एलसीएम का नाटक नहीं रहेगा फिर, ×9, और जो होता है उसी को ही नीचे जोड़ देते हैं, बैठ गया CS, ठीक है, ध्रुव 9 4 13 13.5 और 45 90 होते हैं, 45 450 गुणाई कर देते हैं ना यार, 9 5 45 का 5 हासिल की 4 9 4 36 और 4 40 40.5 आ रहा है, तो CS=40.5 और 13.5 पॉइंट से पॉइंट का कर दिया इलाज, 405 और 135 135 405 और 135 ये आ रहा है अपना CS, इसको और सॉल्व करेंगे, 15 से कटेगा, 15 9 135 और 15 2 30 30 और ये था 40, 10 बज गया और 5 बज गया, 10 और 5 15 56 90 15 7 105 ये लो 27, तो 9 3 27 3 CS=2 आ गया अपना 3 माइक्रोफेरेड का, यानी पूरा मिलके एक ही आ गया अपना 3 माइक्रोफेरेड का, ये लो जी, और ये बैटरी लगी हुई है इस पर, ये 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस निकल गया अपना इसका इफेक्टिव, और ये 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी, इस बार 12 वोल्ट दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, अब हमको क्या निकालना है, हमको वोल्ट निकालना है, ठीक है, तो हमने क्या बोला था जब हमने पहले पढ़े हैं ये सब चीज़ें, तो हमने कहा था एक परफॉर्मा होता है, पहले क्यू का पता लगाओ क्यू कितना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाओ, फिर वी का पता लगाओ, और फिर सी निकालो, तो हमारे पास में हमसे वो सी पूछ रहा है, वी भी वो हमसे पूछ रहा है, नहीं सी तो आ गया हमारे पास में, वी हमसे वो पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू का पता लगाएंगे, हमारे पास क्यू नहीं है, डायरेक्ट वी पे नहीं अटैक कर सकते, क्यों क्यू नहीं है हमारे पास में, तो क्यू निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, सी वी, तो क्यू CSV, ये वाला लगाना है, ठीक है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस अपना जो निकला उसको लेना है, तब क्यू निकलेगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, आवेश स्थिर रहते हैं श्रेणी क्रम में, गुड, CS कितना है हमारा 3,
माइक्रोफेरेड। अच्छा अभी माइक्रोफेरेड है और वोल्टेज किस में चलता है, यूनिट क्या है, वोल्ट। तो फिर यहाँ पे उल्टी सीधी यूनिट ले सकते हैं, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 माइक्रोफेरेड का है, अब अपन न्यूमेरिकल को और आगे कर रहे हैं। खाली ये निकालना होता तो इतना इज गुड है इनफ, ठीक है। लेकिन अब हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यूनिट क्या होती है, कूलम होती है और इसकी वी होती है, तो इसको फिर हम माइक्रोफेरेड में क्यों ले रहे हैं, जब सारी ऐसा यूनिट ले रहे हैं तो इसको भी हम, तो ये माइक्रोफेरेड है तो 3 × 10⁻⁶ फैरड बन गया, तो ये ला और 12 तो क्यू कितना आ गया, 12 × 36 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। और अब माइक्रो कूलम बोल सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 36 माइक्रो कूलम, ठीक है। हमको क्या निकालना है, वी निकालना है, अब हम वी निकालेंगे। वी इक्वल्स टू क्या होता है, वी इक्वल्स टू होता है क्यू बाय सी। किस वाले पे निकालना है, चार्जेस है हमारे पास में 36 क्यू × 10⁻⁶ और सी। अब सी ये लेंगे, नहीं वो हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, उस पर नहीं पूछ रहा, इतने से पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5, तो 4.5 में ये रहा 4.5 और माइक्रोफेरेड में तो फेरेड में बना देते हैं इसको 10⁻⁶। क्यों, क्योंकि जब 2-3 क्वांटिटी चल रही हो ना तो फिर यूनिट क्या है कि सेम रखनी पड़ती है हम लोगों को। खाली अकेला सी चल रहा था तब तो माइक्रोफेरेड चल रहा था, हम लोग घिसट पिटक रहे थे उसको, चेप दो इसको इससे, पॉइंट हटा 0 लगाओ, 360/45 10 हो जाते हैं 450, ठीक है। और 45 में से एक बार 45, 450 में से एक बार 45 गया तो वो 45 90 का पहाड़ आ जाएगा, फिर एक बार और 45 गया तो 8 का, और दो बार 45 जा रहे हैं तो 90 कम हो रहे हैं, तो 450 में से 90 कम हो रहे हैं, 100 कम हो जाएंगे तो 350, लेकिन 90 कम है तो 360, सीधा 8 आ रहा है, काट के देखना, नहीं समझ में आया, वी इज इक्वल काटना आता है वो तो आप लोग करते रहना, 8 वोल्ट, डी इज़ द आंसर, ऐसे निकलता है, ठीक है ना। तो सीधा मत निकालना, इसीलिए ये सवाल बताया अलग टाइप का, थोड़ा सा स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे ये 4.5 वाला क्यों लिया, क्योंकि हमें वो बोल रहा है अब क्वेश्चन में, क्योंकि इसका तो हमने यूज़ ही नहीं किया, अब यूज़ किया है कि 4.5 जो माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालो आप, तो फिर हम वो तो लेंगे ना, तभी तो निकलेगा, जिसकी बात चल रही है वो तो ले ही नहीं रहे हम लोग। बैठ गया, नेक्स्ट करते हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर डाल लेना, मैं भूल गया, ये वाला कोई बोले आपको करने के लिए, और अगर आप करना चाहते हो तो आंसर है ये, और अगर कोई मुझसे बोले कि ये करो तो मेरी हालत तो नहीं आती, करेंगे। तो देखो इसको अपन क्या बनाएंगे, इसको अपन बनाएंगे, ढंग से समझ लेना, अभी भागने का नहीं बिल्कुल भी, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे, हिंदी में भी यही है, बस ब्रिज को सेतु लिखा हुआ है, व्हीटस्टोन सेतु बनाएंगे इसको, ये व्हीटस्टोन अपन को आगे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन काम अपन अभी ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में और इस क्वेश्चन को करते हैं, तभी ये समझ में आएगा। सत्तू सुपारी बन गया ये, गोपाल माधव मेरे भाई गोपाल को मत मारना, सुबह से एक कप कॉफी मांगा था चूहे की तरह मेरा कौन। तो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा सा कुछ है, शक्करपारा बना दो, बना दिया और एक बीच में बना देंगे और एक इधर लटका देंगे, ये कितना है 5, ये कितना है 5, ये कितना है 5, ये कितना है 5 और ये कितना है 5 माइक्रोफेरेड, सारे 5-5 के हैं, ये अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया, ये क्या बन गया P, ये क्या बन गया Q, ये क्या बन गया R, ये बन गया S, ये बन गया A, ये बन गया B, ये बन गया, समझ में आया। इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि क्लियरली द कैपेसिटेंस फॉर्म व्हीटस्टोन ब्रिज, लिखो इसको अगर लिखना हो तो, क्लियरली वी कैन से द कैपेसिटर फॉर्म्स व्हीटस्टोन ब्रिज, कैपेसिटर व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएगा, ठीक है, हैंस द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब हम बोल रहे हैं कि ब्रिज बैलेंस है कैसे, तो देखो पी बाई क्यू करो सबसे पहले और आर बाई एस करो, पी किधर है ये रहा, क्यू किधर है ये रहा, आर किधर है, पी में क्यू का डिवाइड करो बेटा, ये रहा देखो पी में, पी कितना 5, क्यू कितना 5, आर कितना 5, ये कितना 5, काटा तो कितना है 1, इसको काटा तो कितना है 1, 1 बराबर 1 आना चाहिए, यानी P by Q is equals to होना चाहिए किसके, R by S के, हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि ये वैल्यू आए तभी बराबर हो, कोई और वैल्यू आएगी तो भी बराबर हो सकता है, टेंशन नहीं लेना, अभी पहले इसको समझते हैं, यानी ये हम क्या बोल रहे हैं कि हैंस द ब्रिज इज बैलेंस, नो चार्ज कैन एक्यूमुलेट ऑन कैपेसिटर 5, नो चार्ज कैन एक्यूमुलेट ऑन कैपेसिटर 5 विच, दस
दिस कैपेसिटर इज इनइफेक्टिव, ये कैपेसिटर हमारा कैसा हो गया, इनइफेक्टिव हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं, आउट गेम से, टाटा बाय बाय, खत्म फिनिश, ये आउट हो जाता है, ठीक है। अगर ये होगा तो ये आउट, घर जा तू अपने आप आउट। अब अपने पास क्या बचा, 1, 2, 3, 4 और 5 बचा। लेकिन ये हुआ कब, जब P में Q का डिवाइड किया और R में S का, ऐसे डिवाइड करके देख लो, P बाई R करके देख लो और Q बाई S करके देख लो, तो भी ये बराबर आना चाहिए, 1 बराबर 1, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 4 होता, तो करके देखते तो P बाई Q और इजक्व टू R बाई S निकालो, फटाक से निकालो, 4/2 इजक्व टू 8/4, 2 और 2, तब भी बैलेंस है, तब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बनता ही है, समझ में आ गया। कुछ भी हो अपना व्हीटस्टोन ब्रिज तब भी बनता बैलेंस कंडीशन में, तो बीच वाला क्या हो जाता, बीच वाला 5 का हो 50 का हो कोई लेना देना नहीं है, आउट हो जाता गेम से वो। तो अब लिख दें वापस 5, 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
कि अगर वैल्यू चेंज भी आ जाती है तो भी पी बाई क्यू में डिवाइड करके देखना कि बराबर आर बाई एस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों बराबर आ गए बराबर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बीच वाला कहाँ हो गया, आउट हो गया, गेम से बाहर, खत्म। ये बचा हुआ है, इसको रख दिए, हमेशा ऐसे करना होता है इसको। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज हम आगे पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन सेतु चैप्टर में है हमारे, ठीक है ना, अगले चैप्टर में। लेकिन तो अब हम करते हैं कि ये हमारा आउट हो गया तो इसको गायब ही कर देते हैं, ये लो। अब सर्किट समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है। यहां से चार्जेस अगर रवाना हुए तो पहले यहां जाएंगे और फिर उसको बाद में यहां जाना पड़ेगा, तो विच मीन्स ये सीरीज में हो गया मेरा इतना सा। यहां से चार्जेस आने के बाद फिर इसको यहां से इधर ही जाना पड़ेगा, तो ये सीरीज में, लेकिन ये आपस में पैरेलल, क्योंकि यहां पे चार्ज जाने के बाद कुछ यहां चले जाएंगे, कुछ यहां चले जाएंगे, कुछ यहां, कुछ यहां। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, इफेक्टिव कैपेसिटी निकाल लें, सीरीज में है ऊपर वाले दोनों। सीरीज के लिए जब दो होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं अपन, मल्टीप्लाई और फिर नीचे जोड़ना इन दोनों को। तो सी एस मेरा आ गया 5 × 5 = 25 और ये आ गया 10, 5 + 5, ये मेरा आ गया सी एस। इन दोनों का निकालते हैं सी एस डैश कितना आ रहा है, यही फॉर्मूला 5 × 5 / 5 + 5 यानी 25/10। नया डायग्राम बना लेते हैं, ये देखो ये नया सर्किट बन गया अपना, ठीक है ना। ये 5 पड़ा हुआ था, अभी भी पड़ा हुआ है। इन दोनों का इफेक्टिव 25/10, इन दोनों का इफेक्टिव प्रभावी धारिता इतनी आ गई। ये आपस में क्या हो गया, यहाँ पे जब आएगा प्लेट सेम पोटेंशियल से जुड़ी हुई हैं तो पोटेंशियल सेम है, विच मीन्स ये पैरेलल में है, ये हम कह सकते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका इफेक्टिव निकालेंगे, फिर इसमें पटकेंगे, ठीक है। आंसर अपने पास में लिखा हुआ है पहले से, इस पैरेलल को सॉल्व करें। तो पैरेलल को सॉल्व कैसे करते हैं, सी पी इज इक्वल्स टू 25/10 + 25/10, C1 + C2 करते हैं सीधा ही, 10 LCM ले लो तो 25 + 25, CP कितना आ गया 50/10, यानी CP आ गया मेरा 5। नया डायग्राम बना लेते हैं, ये आ गया 5, ये भी आ गया 5, माइक्रोफेरड बैठ गया। अब अपन को इसका इफेक्टिव निकालना है, ये कौन से के अंदर आ गए, सीरीज के अंदर आ गए। सीरीज में जब दो जुड़े हुए होते हैं तो कैसे निकलता है, सीरीज में जब दो जुड़े हुए हों तो सी, एक सी एस निकाल चुके हैं, एक सी एस डैश भी निकाल चुके हैं, सी डबल डैश एस बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे एडिशन, तो सी एस इक्वल टू 25/10 माइक्रोफेरड का निकल रहा है, यूनिट लगाओ अब अपन को, इसको 25 में 10 का डिवाइड किया तो कहीं डिवाइड करने लग मत जाना, 2.5 होता सीधे, आ गया 2.5 माइक्रोफेरड, और वही उसने पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत सारे बुक में मिलेंगे, फिर आपको दिमाग खराब होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो मैंने ये कर दिया। ये 5 की जगह 25, 15 कुछ भी हो अपन को कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यू अगर चेंज है अपन को तो डिवाइड करके एक बार देखना है कि पी बाई क्यू बराबर होना चाहिए आर बाई एस के, अगर हमारे लिए आ रहा है तो हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, वो व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर लेगा वो कैपेसिटर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बीच वाला इनइफेक्टिव हो जाएगा, कितने थे 6 थे,
एक दो तीन चार और पाँच ही बचे, क्योंकि बीच वाला क्या हो गया, इन इफेक्टिव हो गया कैपेसिटर, उसके अंदर चार्ज स्टोर नहीं होंगे, ठीक है ना, इसके अंदर चार्ज स्टोर नहीं होंगे इस कैपेसिटर में। अगला करते हैं, आगे देखो क्वेश्चन, शानदार सा। अपन ने फॉर्मूला लिखा था एन कैपेसिटर के लिए, और अपन ने कहा था कि एन कैपेसिटर अगर जुड़े हुए हों और सब का कैपेसिटेंस सेम हो तो अपन एक फॉर्मूला लगाते थे, ईच कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस वन माइक्रोफेरेड, ये भी वन का है, ये भी वन 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 वन। आगे देखो ढंग से, ये डॉट डॉट क्यों कर रखा है और ये क्या है, ये बीच में देखो यहाँ पे कैपेसिटर कितना, एक, एक का डबल किया तो दो, दो का डबल किया तो चार, चार को दो से गुणा किया तो आठ, चार का डबल स्क्वायर मत कर दे, ठीक है ना, आठ। तो यहाँ आठ कैपेसिटर मैंने बनाया नहीं, इसलिए डॉट 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 दिखा दिया, यहाँ पे भी डॉट 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 दिखा दिया क्योंकि आगे चलते जा रहा है मामला। फिर आगे 16 कैपेसिटर, फिर 16 दूनी 32, फिर 64, फिर 128 GB वाला आईफोन प्रो मैक्स, और फिर 256 वाला आईफोन 13, और फिर 512, फिर 1024, फिर 2048, ऐसे कैपेसिटर चलते ही जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो अपन ने सीरीज़ के लिए एक फार्मूला पढ़ा था कि C अपॉन N होता है, और पैरेलल के लिए पढ़ा था NC होता है, लेकिन ये तब लगेगा जब सबका कैपेसिटेंस वन माइक सेम होना चाहिए। तो इनमें सबका कह रहा है ये वन है, ये वन है, ये वन 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 माइक्रोफेरेड माइक्रोफेरेड, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। इसके बाद फिजिक्स आपको पढ़ने का मन करेगा, जब क्वेश्चन देखोगे सब वन 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 है। तो सबसे पहले देखो, इसको भूल जाओ, ये अकेला है, अकेले को बनाओ, कितना आ रहा है, वन आ रहा है, ये लो ये वन बन गया जी। इन दोनों को देखो, यहाँ से चार्जेस आने के बाद में पहले यहाँ जाएगा, फिर ये सीरीज में है, तो सीरीज के लिए कैसे करते हैं, कैपेसिटेंस कितने का है, ये वन माइक्रोफेरेड का है ही ऊपर, इसमें देखो कैपेसिटेंस कितने का है, वन, और अपॉन में कैपेसिटेंस कितने माइक्रोफेरेड का है, वन है, दिमाग का है कुछ भी, वन, सी की जगह वन पुट किया है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस कितने माइक्रोफेरेड का, वन, ये रहा वन, और अपॉन टू, कैपेसिटर है कितने, टोटल दो हैं, तो वन बाई टू। यहाँ से इस फॉर्मूले से देखो, सर नहीं आया, नहीं है, मौज करो, ये वन बाई टू हो गया, कहाँ लिखा है यार, वन बाई टू माइक्रोफेरेड का आ गया। आगे देखो कितने जुड़े हुए, एक दो तीन चार जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसी में लगाओ, कैपेसिटेंस कितने माइक्रोफेरेड का, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, वन दे रखी है, सी की वैल्यू वन है, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, चार हैं, तो वन बाई फोर, सीधा वन बाई फोर, वन बाई फोर माइक्रोफेरेड टूटते जा रहे हैं। फिर ये कितना आ जाएगा, आगे देखो, ये कह रहा है आठ है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, क्यों, क्योंकि एन क्या है, सेम है, जब सेम कैपेसिटर हो, सॉरी एन नहीं, सी सेम हो, जब सी कितना है, वन दे रखा है, तो सी की जगह वन डालो, और एन कितने, आठ कैपेसिटर हैं, तो ये वन बाई एट माइक्रोफेरेड आ गया। ये सीरीज में थे, पहले सीरीज सीरीज वालों को सॉल्व किया, और फिर आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, चलते जा रहा है, ये ए है, ये बी है, और ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, वैसे भी कर सकते हो, समझ में आ गया, कैसे, सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला लगा देना, सीरीज का, ये अगर नहीं लगाना हो तो वो आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर, क्यों, क्योंकि हमने जब सीखा है तो हम अप्लाई करें, और मेरा काम क्या है, आनंद देना, आनंद देने के लिए पढ़ाते हैं, आनंद लेने के लिए पढ़ाते हैं, तो आनंद दिया ना यहाँ पे, ऐसे क्या कर रहे हो, जब फॉर्मूला को यूँ ही थोड़ी लिखा था, सारी चीज़ें कितनी अच्छी सॉल्व हो रही, लेकिन सबका कैपेसिटेंस कितना है, वन वन वन, सबका सेम है, और एन कितने आ रहे हैं, यहाँ दो आ रहे हैं तो दो अपॉन में आ गया, देखो एन अपॉन में एन कितने, चार आ रहे हैं तो चार आ गया, अपॉन में आठ, और ऊपर वन वन कॉमन चल ही रहा है। आगे देखो, यह पूरा तामझाम किस में बन गया, पैरेलल में बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि अगर इनके बीच में वोल्टेज बैटरी कुछ होती तो यहां से प्लस जाते, और नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं, ये सभी कैपेसिटर की जो फर्स्ट वाली प्लेट है, लेफ्ट वाली प्लेट है, इधर वाली, ये 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 वाली, ये सब एक ही पोटेंशियल से जुड़ी हुई है, विच मीन्स ये हाई पोटेंशियल है, उच्च विभव है, और ये लो पोटेंशियल है, और पोटेंशियल सेम होता है तो वो पैरेलल हो जाता है, पार्श्व क्रम में हो जाता है, तो ये पार्श्व क्रम में हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालें इसका, सीपी, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में आ चुका है, ये चार्ज यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से अगर कोई चार्ज रवाना हुआ तो वो यहाँ वाला यहाँ भी जाएगा, चार्ज यहाँ भी जाने की कोशिश करेगा, यहाँ भी जाने की कोशिश करेगा, सारी जगह पर जाने की कोशिश करेगा, तो कैपेसिटेंस में पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल और कैप चार्ज अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और चार्ज कॉन्स्टेंट नहीं है, तो वो पार्श्व में होता है, पैरेलल में होता है, चार्ज स्थिर नहीं है, और पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 कितने निकाले अपन ने,
फिर C5, CTTT और CN तक निकलेगा। बैठ गया यहाँ तक तो ठीक है। तो CP इज इक्वल्स टू पहला कितना आया CP1, फिर C2 कितना है 1/2, फिर कितना है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 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 1/ जो भी है लिख देना CN। बैठा यहाँ तक तो इसको देखो अब यहाँ पे अब क्या आ रही है मैथमेटिक्स आ गई और बहुत ईजी ढंग से समझ लो। ये कोई प्रोग्रेशन बनाया है श्रेणी बनी है श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th में पढ़ा हो आपने समांतर श्रेणी फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना गुणोत्तर श्रेणी ये गुणोत्तर हो गई ये समांतर श्रेणी हो गई उसको रहने दो अभी एक बार श्रेणी रेड्डी रेड्डी इंडिगर नारगढ़ रजनी बाबा रेड्डी साहब इंडिगर नारगढ़ मैथमेटिक्स में अब ये क्या कहता है ये हमारी GP बनी है GP ठीक है कैसे बनी अगर AP होती तो कैसी होती AP को देखते हैं कैसी होती दिख रहा है क्या हाँ 2, 4, 6, 8, 10 AP में देखते हैं अंतर होता है अंतर यानी डिफरेंस कितना आ रहा है देखो चार में से यहां से शुरू करते हैं पहली वाली से नहीं करते चार में से दो घटाया कितना बचा दो छह में से चार गया तो भी दो चार में से दो घटाया तो दो छह में से चार घटाया तो दो आठ में से छह घटाया तो दो दस में से आठ घटाया तो दो अंतर कितना आ रहा है ये अंतर की बात होती है यहां पर जब डिफरेंस की बात होती है तब जयकांत शिकरे की बात होती है मेरा गांव और मैं यहां का जयकांत शिकरे अंतर की बात हो रही है डिफरेंस की बात हो रही है तो समांतर श्रेणी और सेम आ रहे हैं अंतर 2, 2, 2, 2, 2 इसलिए समांतर श्रेणी बना ठीक है अगर सेम नहीं आते तो नहीं बनती अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनती है। जीपी में क्या होता है जीपी में देखो पहला वन है अपने पास इसी को लेके चलते हैं कॉमा 1/2, कॉमा 1/4, कॉमा 1/8, कॉमा 1/16 चलो इसमें बात होती है रेशियो की यानी अनुपात की और अनुपात कब निकलता बेटा जब डिवाइड करते हैं तभी तो निकलता होगा ना है तो यहां से शुरू करो इसमें भी यहां से शुरू किया था इसमें से इसको घटाया था इसमें से इसको घटाते हैं सॉरी डिवाइड करते हैं 1/2 के अंदर 1 का डिवाइड करो तो कितना आता है 1/2 आ गया 1/4 के अंदर अब डिवाइड इसके अंदर इसका डिवाइड किया अब इसके अंदर इसका डिवाइड करेंगे 1/4 के अंदर 1/2 तो ये 1/2 ऊपर चला गया और 4 नीचे रह गया तो 1/2 आ रहा है ये आ गया 1/8 के अंदर 1/4 का डिवाइड करेंगे ये 4 ऊपर चले जाएगा तो 4/8 बन गया तो 1/2 आ रहा है ये देखो 1/2, 1/2, 1/2 फिर 1/16 में 1/8 का डिवाइड करेंगे तो 8 ऊपर चले जाएगा 16 नीचे रह जाएगा तो 1/2 ये डिफरेंस की बात हो रही है देखो यहाँ भाग हो रहा है समझ में आ रहा है रेशियो और वहाँ क्या हो रहा था माइनस हो रहा था 4 में से 2 गया 6 में से 4 गया 8 में से 6 गया और 10 में से 8 गया 4 में से 2 6 में से 4 ये डिफरेंस की बात होती है और यहाँ पे रेशियो की बात होती है हम लोग रेशियो की बात कर रहे हैं हमें पता चल गया कि ये हमारी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन बन गया है गुणोत्तर श्रेणी बन गया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट पदों के लिए फॉर इनफाइनाइट टर्म्स के लिए जोड़ना इसको सम करना है सम ठीक है ना सम ही तो हो रहा है ये और लेकिन ऐसे जोड़ना है कि ये देखो एक का आधा हो गया ये उसका भी आधा ये हो गया उसका भी आधा ये हो गया उसका भी आधा ये हो गया उसका भी आधा ये उसका भी आधा 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 और सबके बीच में साइन क्या आ रहा है प्लस आ रहा है तो ये एस क्या हो गया सम लेकिन इनफाइनाइट क्यों लिखा है अनंत पदों का पद कितने हैं टर्म्स कितने हैं इनफाइनाइट है तो क्या होता है a/(1 - r) ये क्या होता है फर्स्ट टर्म ए होती है फर्स्ट टर्म प्रथम पद और r क्या होता है जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो सार्वत्र अनुपात ये सार्वत्र अनुपात आ गया जो कॉमन रेशियो आ रहा है कॉमन रेशियो क्या आ रहा है सबका 1/2 ही तो आ रहा है ना ये रहा इसलिए इसको लिया 1/2 को आर क्या हो गया 1/2 सार्वत्र अनुपात और सार्वत्र अनुपात क्या आएगा ये वाला आएगा क्यों आएगा क्योंकि 1/4 नहीं है 1/4 के अंदर 1/2 का डिवाइड किया तो 1/2 1/8 के अंदर 1/4 का तो ये 1/2 1/16 के अंदर 1/8 का कहाँ गया हाँ ये तो भी 1/2 तो R हमारा क्या आ गया ये आ गया 1/2 लिख दो यहाँ और A हमारा कितना आ गया 1 आ गया बस इसमें तो डालना वैल्यू और कैलकुलेट करनी है और तुम लोग शेर बच्चे हो मेरे शेर बेटे हो शेर बेटे वाह आई गॉट द आई ऑफ द टाइगर आई एम अ चैंपियन एंड यू गॉना हियर मी द
दिख रहा है रो ओ ओ वन अपॉन वन में से आधा गया बेटा, एक में से एलसीएम ले लेना भली वैसे कर लेना, पर मैं थोड़ा सा वैसे बताता हूँ, एक में से आधा गया तो क्या बच गया, आधा बच गया, बैठ गया ठीक है। इस आधे को ऊपर लेके आ जाते हैं तो एस एट, ये टू सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे है तो टू आ गया, और ये तेरा, और हम क्या बोल रहे हैं, हमें तो कैपेसिटर चाहिए, उसने दो दे दिया हमने ये कर लिया, बैठ गया। इसका आंसर कितना है, 2 माइक्रोफेरेड। बोलो भाई सी कहाँ से आ गया, अरे ये तो हमने जोड़ जाड़ के निकाल लिया उससे, लेकिन अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम तो सी इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे ना, तो हमें तो कैपेसिटेंस निकालना तो लिखना पड़ेगा ना उसका, ये हमारा सी पी आया है, क्यों आया सी पी, ये जो निकाल रहे थे इसको सोल्यूशन सी पी, क्यों, क्योंकि हमारा ये पैरेलल में था, समझ में आया कि ऐसे अगर एन स्टेपल, डरने का नहीं, इजी थोड़ा सा है ना, और ये चीज़ अगर आपने आज तक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है, और सच में अगर आज आपने पहली बार ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पढ़ा है, उसके बाद आप ये बोल दो कि नहीं सर मेरे नहीं समझ में आया, मजा ले यार आप लोग क्या कर रहे हो ऐसे, हैं इतने बेवकूफ़ तो हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता कि भाई ये पहला स्टेप ए हो गया और ये आर इसी को ही क्यों लिया, क्यों, क्योंकि सबके अंदर किसी के अंदर भी डिवाइड करो, इसके अंदर इसका डिवाइड किया तो 1/2, इसके अंदर इसका डिवाइड किया तो 1/2, तो हमारा आर क्या हो गया, सर्वत्र अनुपात कॉमन रेशियो, वो क्या, और रेशियो की बात क्यों हो रही है, क्योंकि हमने लिखा है ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में हम रेशियो निकालते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम डिफरेंस निकालते हैं, तो मैथ्स है जादू देवता, ठीक है, और बाकी फॉर्मूला नहीं आता वो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आप बोलोगे नहीं सर हो नहीं रहा, मैं नहीं समझ सकता, मैं यकीन ही नहीं कर सकता आपके, यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि विजय साळगावकर की कार ठीक के नहीं थे, अरे साळवी कुछ तो बात होगी जो तुम यकीन के साथ कह सकते हो। अब यहां पे ये सीरीज में थे, ये सीरीज में थे, इनको जोड़ना था जोड़ जोड़ के हमने कर दिया, सीरीज में अगर तुम्हें वैसे जोड़ना हो पसंद हो नॉर्मल वैसे जोड़ देना, इस फॉर्मूले से जोड़ना हो तो इससे जोड़ देना, लेकिन ये अपन ने सीखा है, अपन ने देखा है इस फॉर्मूले को, तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, जो चीज़ हमने पढ़ी उसको अप्लाई करेंगे तो भूलेंगे नहीं। भूला इंस्पेक्टर साहब ये आज क्या हो गया है, आए दिन मुंबई शहर हादसों का शहर, लेकिन आप मुंबई का तो गोवा है, यू आर जस्ट टू बी इन द सेफ साइड, लेकिन सेफ साइड तो करीना है, ये सब करने के बाद हमें पता चल गया हमारा सर्किट पैरेलल में आ गया, तो हमने पैरेलल में पटक दिया और फिर हमने उसको पता लगाया कि वो हमारी प्रोग्रेशन थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हर टाइप का न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया है आपको, आज के बाद आप खुद एनालाइज करके देखिएगा कि कैपेसिटर के जब क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के सर्किट वाले, तो क्या आप खुश होते हो उसको देख के या दिमाग ख़राब होता है। हाँ आपसे नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट आपका आता है या नहीं आता इन क्वेश्चन को करने। मैंने कहा ना कैपेसिटर जैसे टॉपिक अगर अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में अपनी पकड़ थोड़ी क्या होती है, मजबूत होती है, और ये सब चीज़ें तो आप टेंथ से पढ़ के आए हो, रेजिस्टेंस को करते थे आप हम लोग इकट्ठा, फिर उसको पोटेंशियल निकालते थे, करंट निकालते थे, तो वो सब चीज़ तो हम करके आए, तो ये इंटरेस्ट जगाता है फिजिक्स में। तो आज के बाद जब आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना तो थोड़ी सी हंसी आएगी चेहरे पर, करने का मन करेगा, हो रहा है नहीं हो रहा अलग बात है, आप उस चीज़ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टार्ट कर दिया आपने विच मीन्स आपने आधा काम फिनिश कर दिया, ये ध्यान रखना। अगर आपने स्टार्ट कर दिया, और आप स्टार्ट भी कैसे करोगे, एंथुसियाज्म के साथ करोगे, भाई मैं तो आपको बोलूँगा नहीं, आप बुक देखोगे कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप पक्का आप दिमाग दौड़ाओगे कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में, ये किसके अंदर, तो खुशी तो आपकी होगी, और जब शुरुआत आपने अच्छी कर दी तो समझ लो आधा काम फिनिश हो चुका है, अब तो बचा आधा है वो आपको अप्लाई करना है। तो फॉर्मूले दिमाग में रहने चाहिए, और छोटे मोटे क्वेश्चन मैंने हर टाइप के करवा दी, और फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मेहनत करो थोड़ी सी और इन चीज़ों को लिखो जो जो अपन ने किए हैं। वीडियो समझ में नहीं आता दो बार देखो, तीन बार देखो, धीरे धीरे देखो, चीज़ों को लिखो, थोड़ा घूमो फिरो, वापस उठो, वापस पढ़ो, पक्का समझ में आएगा और इंटरेस्ट जागेगा। फोकट के नंबर अगर ऐसे मिलते हैं तो क्यों छोड़ के आते हो, ठीक है, मिलते हैं दूसरे लेक्चर पर, तब तक के लिए ओके।